प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा जो फर्स्ट रूल है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी जो एक्शन है यानी कि कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं वो अभी क्रिया चालू है ऐसा हमें डिस्क्राइब करना होता है, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है आई के साथ एंड ही सी इज वी यू दे इसके साथ यूज करना है आर। तो यहाँ याद रखना है आई के साथ एम, ही सी इट के साथ इज एंड वी यू दे के साथ आर। ये तीनों हमारे हैं एम इज आर, ये तीनों है वो हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर आपको जो भी मेन वर्ब दिया गया है उसके नेक्स्ट में यानी कि उसके एंड में आपको आई एन जी लगाना है। जैसे कि प्ले तो प्ले, टीच टीचिंग, तो उसके आफ्टर इसमें क्या लगाया आपने आई एन जी, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सी इज टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें आपकी जो एक्शन है वो कंटिन्यू है तो उसे कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये मेरी एक्शन कंटिन्यू है। सेकंड में सी इज टीचिंग इंग्लिश, वो अभी इंग्लिश टीचिंग यानी कि लर्न करवा रही है, सिखा रही है। तो जब भी कोई एक्शन कंटिन्यू हमें डिस्क्राइब करना होता है तब हेल्पिंग वर्ब एम इज या फिर आर यूज करना है, उसके आफ्टर मेन वर्ब के एंड में आई जी लगाकर ये वर्ब कंप्लीट करना है। ओके, तो ये वर्ब तीनों में याद रखना है आई के साथ एम, इसी इट के साथ इज और वी यू दे के साथ आर। इसमें सेकंड आपको एग्जांपल दिया गया है फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर। नियर के फ्यूचर में आप कोई प्लान है उसे आप प्लान एक्शन के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जिसमें आपको एग्जांपल दिया गया है वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो, हम टुमारो यानी कि फ्यूचर में कहा गया है लेकिन फ्यूचर में ये एक्शन आपकी कंटिन्यू डिस्क्राइब की गई कि वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो, हम कल ये पिकनिक करने वाले हैं, तो फ्यूचर में ही करने वाले हैं लेकिन कंटिन्यू करने वाले हैं, तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। उसके बिफोर आपको एग्जांपल दिया गया था जेम्स इज स्टडिंग एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट यानी कि इस समय, प्रेजेंट की बात की गई है कि जेम्स है वो इस वक्त इस समय स्टडी कर रहा है यानी कि पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी एक्शन के भी कैसे है यहाँ पे कंटिन्यू, तो जब भी उसकी एक्शन कंटिन्यू होती है तब हमें एमेजॉन और मेन वर्ब के आफ्टर आईएनजी लगाकर ये ब्लैंक फिल अप करना। थर्ड है इसमें द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज, उसका क्या यूज होता है टू शो दैट एन एक्शन इज जस्ट ओवर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो भी एक्शन है वो आपने जस्ट ओवर यानी कि नाउ अभी कंप्लीट किया है और कंप्लीट हो गया है, उसकी एक्शन कंप्लीट हो गया है लेकिन प्रेजेंट में हमें डिस्क्राइब करना है कंप्लीट की हुई जो भी क्रिया, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो इसमें आपको क्या करना है आई वी यू एंड दे ये सभी प्रोनाउन के साथ हैव यूज करना है और ई सी इट के साथ लगाया जाता है यहाँ पे हैज और हैव एस के बाद
वी थ्री यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। वी वन यानी हमारा जो फर्स्ट मेन वर्ब है, वी टू का मीनिंग है पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, और वी थ्री का मीनिंग है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल उसका थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमें थर्ड फॉर्म को लगा कर ये जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट करना है, और उसके अलावा भी ये रूल्स याद करना है कि आई वी हिंदी के साथ हैव यूज होता है और ही सी के साथ हैज यूज होता है, प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट में जो कोई भी वर्ड अदर वर्ड्स आते हैं उसका हमें यूज करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क है वो कंप्लीट किया है। लेकिन कैसे कंप्लीट किया? आई हैव जस्ट फिनिश्ड, अभी ही यानी कि 9:20 टाइम हुआ है, तो 9 o'clock को ये जो हमारा होमवर्क है वो अभी कंप्लीट हुआ है। लेकिन एक एक्शन है वो अभी पास्ट बन गई, अभी कंप्लीट हो गई, लेकिन प्रेजेंट में थोड़े समय के बिफोर ही यहाँ कंप्लीट हुई, इसलिए उसके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो हैव हैज प्लस विथ। सेकंड उसमें रूल दिया गया है टू इंडिकेट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। उसमें आपको कहा गया है कि सम टाइम कोई ऐसा टाइम परफेक्ट दिया गया होता है, और टाइम के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको जस्ट ही आपकी एक्शन कंप्लीट हो गई है, तो उसमें आपको परफेक्ट टेंस से ही आपकी ब्लैंक है वो फिलअप करनी है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया है, आई हैव वर्क इन दिस कॉलेज फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। मैं इस कॉलेज में, आप अभी भी वर्क कर रहे हो लेकिन कितने साल से, तो जब भी यहाँ पे ईयर आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं, लेकिन ये क्रिया पहले भी चालू थी और आज भी वो चालू है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं कि आई हैव वर्क इन दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में वर्क करता हूँ फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। कितने ईयर से? तो 12 साल से मैं यहाँ वर्क करता हूँ। तो 12 साल इसको आपके टाइम के फॉर्म में यहाँ डिस्क्राइब करना है, तो टाइम के फॉर्म में डिस्क्राइब करना है तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना। नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Present perfect continuous tense is used for an action that began at some time in the past and is still continuing. यहाँ पे आपको कहा गया है कि present perfect continuous tense में जो भी action है वो some time पहले begin हुई थी, यानी कि कुछ वक्त पहले शुरू हुई थी, and past में वो हो गई थी and still continue, अभी भी वो continue हुई है। तो जब वो action complete हो गई होती है लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रही है, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट और कंटर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में माइनर डिफरेंस है। इसमें हैव हैज प्लस बीन और बी फोर का यूज करना है। बी फोर का मीनिंग है मेन वर्ब के आफ्टर आपको लगाना है आई एन जी। आपका एग्जाम्पल ये है यहाँ पे, ही हैज बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग, वो यहाँ मॉर्निंग से स्टडी कर रहा है, तो उसकी मॉर्निंग से यानी कि पहले से भी उसकी पढ़ाई चालू थी और अभी भी ये पढ़ाई है उसकी कंटिन्यू डिस्क्राइब की। तो जब भी कंटिन्यू डिस्क्राइब की होती है और पहले भी वो पढ़ रहा था, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव का यूज आपको पता होना चाहिए आई वी यू दिस के साथ हैव एंड ही सी इट के साथ हैज। दोनों में डिफरेंस है कि उसमें आप बीइंग यूज नहीं करते और इसमें आपको बीइंग का यूज करना है। अ पार्टी
simple past tense. The simple past tense to indicate an action that has already been completed in the past. इसमें जो भी एक्शन है, जो भी क्रिया है, वो आपने पास्ट में कंप्लीट की, तो जो पास्ट में कंप्लीट हो गई है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए आपको ओनली वी टू कलेक्ट करना है, यानी कि आपका मेन वर्ब है उसका हो जाता है यहाँ पे पास्ट टेंस। जैसे कि आप देख रहे हो, मोहिनी डांस्ड वेरी वेल यस्टरडे, मोहिनी है वो कल बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी, तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब क्या है, डांस, उसका हो जाता है यहाँ पे डांस्ड, बी लगा कर ये हो गया आपका बी टू, या फिर उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। सेकंड रूल है इसमें टू सो पास्ट हैबिट, पहले की आपको हैबिट डिस्क्राइब करनी है, आपको कुछ हैबिट थी, तो जब वो हैबिट डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए भी हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। सी ऑलवेज वॉक्ड टू वर्क, वो ऑलवेज चलने का वर्क करती है, तो वॉक यहाँ पे मेन वर्ब है, उसका हो गया है यहाँ पे वॉक, तो ये हो गया आपका बी टू, या फिर उसको बोलते हैं हम पास्ट टेंस सेकंड में। अब सेकंड है उसमें दी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वही चेंज होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब थे am, is and are, इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब है was and were, was है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और were है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, जैसे कि I के साथ was, he, she and it, इसके साथ was plus before और we, you, they, ये तीनों है वो हमारे प्लूरल फॉर्म है, उसके साथ भी हमें यूज करना है वेर प्लस बी फोर या फिर आई एन जी, मेन वर्ब के आफ्टर आई एन जी। ओके, तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वेर प्लस बी फोर या फिर मेन वर्ब के आफ्टर आई एन जी, बिफोर किसे कहते हैं हम, मेन वर्ब के एंड में जो आई एन जी लगाया जाता है उसे हम कहते हैं वी फोर, यानी कि वर्ब फोर। ओके, द गर्ल्स वेर स्टडिंग ऑल इवनिंग, यहाँ पे गर्ल्स है वो आपको प्लूरल फॉर्म में दी गई है, इसके लिए उसके साथ ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल में यूज किया गया है, द गर्ल्स, तो ये हो गई द गर्ल्स बहुत सारी, तो उसके लिए दे यूज होता है, तो दे के साथ हमें यूज करना होता है वेयर, वो क्या कर रही है स्टडी, तो स्टडी के आफ्टर लगाया गया है आई एन जी, ऑल इवनिंग, गर्ल्स है वो पूरी इवनिंग यानी कि पूरी शाम को वो स्टडी कर रही थी, उसकी जो क्रिया है वो कल यानी कि इवनिंग को, अगली इवनिंग को वो क्रिया कंटिन्यू थी, और अगली इवनिंग को जब एक्शन कंटिन्यू होती है और प्रेजेंट में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तब उसे कहते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट है द पास्ट परफेक्ट टेंस, completed before a particular moment in the past, इसमें कोई action है कोई particular moment पर completed यानी कि वो complete हो गई, जब complete हो गई है तब हमें describe करना है, तो
उसके लिए हैड प्लस बी थ्री, हैव इसका क्या हो जाता है यहाँ पे हैड। आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या फिर हैज यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे उसका हो गया पास्ट, तो उसका हैव इसका पास्ट हो जाता है हैड प्लस बी थ्री। दोनों में परफेक्ट है इसलिए दोनों में बी थ्री का यूज करना है। जैसे कि आप टेक, टूक एंड टेकर, राइट, रॉट एंड रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न है वो हमारा हो गया बी थ्री, टेक में टेकन है वो हो गया हमारा बी थ्री। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें ये याद रखना है कि हैड प्लस बी थ्री यूज करना है। द टीचर स्कोल्डेड मी, टीचर ने मुझको स्कोल्डेड किया बिकॉज आई हैड रीच्ड लेट, क्यों, क्योंकि उसका ही वजह थी, उसका ये कारण था कि आई हैड रीच्ड लेट, मैं पहले से ही लेट पहुंचा था, तो लेट पहुंचा था उसके लिए टीचर ने क्या किया, उसको स्कोल्ड किया। तो यहाँ पे हैड प्लस वी थ्री, इतनी आपकी स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। सेकंड रूल्स में व्हेन टू एक्शंस हैपन इन द पास्ट एंड इट इज नेसेसरी टू शो व्हिच एक्शन हैपन अर्लियर देन द अदर, यहाँ पे आपको कहा गया है कि टू एक्शन हैपन इन द पास्ट, पास्ट में टू एक्शन है कि टू घटना या फिर टू इंसिडेंट बने होंगे, एंड इट नेसेसरी टू शो व्हिच एक्शन हैपन अर्लियर देन द अदर, और आपको इसमें क्या करना है कि कोई भी एक्शन है उसमें से कौन सी एक्शन है वो अर्लियर यानी कि पहले बनी हुई है और कौन सी एक्शन है कि कौन सी क्रिया है वो बाद में बनी हुई यानी कि आफ्टर बनी हुई है। तो जब भी आपको टू सेंटेंस को भी डिस्क्राइब करना है तब आपको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है माय मदर्स प्लेन हैड लैंडेड, मेरे मदर का प्लेन लैंड हो चुका था बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट, जब हम एयरपोर्ट पहुंचे उससे पहले ही। तो यहाँ आप देख रहे हो दो एक्शन आपको दी गई है कि मेरी मदर का प्लेन लैंड हो चुका था बिफोर, आपको सेकंड सेंटेंस दिया गया है वी रीच द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट पहुंचे उससे पहले ही, तो यहाँ पे टू एक्शन हुई। जब टू एक्शन हुई होती है तब फर्स्ट सेंटेंस में हमें हैड प्लस बी थ्री का यूज करना है और सेकंड सेंटेंस में ओनली पास्ट टेंस का यानी कि बी टू वर्ब का यूज करके सेंटेंस लिखना है। अब उसमें पास्ट टेंस में फोर्थ टेंस है जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको इसमें इसका स्ट्रक्चर लिखना हो कि इसके साथ क्या यूज हो रहा है, तो पेंसिल से आप साइड में अपनी ग्रामर में लिख सकते हो हैड प्लस वी थ्री या फिर हैव एस प्लस वी थ्री, आई मीन सार प्लस आई एन जी या फिर वॉज वेर प्लस आई एन जी, सभी जो आपके टेंस है उसमें आप ऐसे रूल्स शॉर्ट में उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हो, जैसे आप नेक्स्ट टाइम दोबारा जब ये रीड करते हो तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें कहा गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट, इसमें कोई भी एक्शन है वो पास्ट में बिगिन हुई होगी यानी कि शुरू हो हुई होगी एंड कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम इन द पास्ट, और कोई भी सर्टेन टाइम में पास्ट को डिस्क्राइब किया होगा तो उसके लिए हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें आपको यूज करना है इसमें हैड प्लस बी थ्री दिया गया है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है तो कंटिन्यू करना, तो जब भी कंटिन्यू वर्ब यूज किया जाता है तब आपको बी फोर का यूज करना होता है और पास्ट परफेक्ट कहा गया है इसलिए पास्ट के लिए आपको उसका करना है हैड प्लस परफेक्ट के लिए यूज करना है यहाँ पे बी। तो आपका मेन सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बी फोर या फिर मेन वर्ब के आफ्टर आई एन जी। ओके, ये
ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग प्लस वी फोर, या फिर मेन वर्ब के आफ्टर आईएनजी प्लस अदर वर्ब्स। तो ये है स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, उसका एग्जांपल यहाँ पे है, दे हैड बीन स्टडीइंग फॉर 5 आवर्स बिफोर आई टोल्ड देम टू स्टॉप। वो लोग हैं 5 आवर्स से स्टडी कर रहे थे, बिफोर आई टोल्ड देम टू स्टॉप, मैंने उनको स्टॉप करने के लिए कहा उससे पहले से ही ये लोग 5 आवर्स से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पे 5 आवर्स से कर रहे हैं, तो इसमें टाइम आपको परफेक्ट डिस्क्राइब किया गया है, तो सर्टेन टाइम दिया गया है, और ये क्रिया उनकी पहले कंटिन्यू थी तो ऐसा डिस्क्राइब किया है, इसलिए यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। अब हमारा सी पार्ट है द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू शो एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। इसमें आपको सिंपल डेफिनेशन उसकी दी गई कि सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो जो भी एक्शन यानी कि जो भी क्रिया या फिर घटना फ्यूचर में बनने वाली है और अभी से आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। उसमें सेल या विल के साथ वी वन का यूज करना है, यानी कि मेन फॉर्म मेन वर्ब यूज किया जाता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। आपको एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, आई सेल राइट द आंसर लेटर। आई सेल यानी कि मैं लिखने वाला हूँ ये आंसर, लेटर यानी कि बाद में, फ्यूचर की बात की गई, लेटर का मीनिंग आप देख रहे हो, एल ए टी ई आर का मीनिंग क्या होता है, बाद में। तो बाद में ये आप लिखने वाले हो उसको आपको डिस्क्राइब करना है, तो ये फ्यूचर टेंस में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस में आपको दो हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने, सेल या विल। बिफोर ग्रामर में ऐसा रूल्स था कि आई और वी के साथ ऑलवेज हमें सेल ही यूज करना है, लेकिन अब ये रूल्स है वो रिमूव हो गया है और हम विल सभी प्रोनाउन के साथ हम विल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आई के साथ सेल दिया गया है, वी के साथ भी सेल यूज कर सकते हो, लेकिन ये दो ही ऐसे प्रोनाउन है जिसके साथ आपको सेल यूज करना है और सभी प्रोनाउन के साथ विल यूज करना है। ऐसा रूल्स पहले ग्रामर में था, लेकिन आप सभी प्रोनाउन के साथ विल यूज करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है उसमें द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर इसमें कोई भी एक्शन है वो फ्यूचर में आपकी कंटिन्यू होने वाली है, ऐसा आपको डिस्क्राइब करना होता है, तब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो पहले तो कंटिन्यू, इसलिए आपको पता चलता है कि जब भी कंटिन्यू वर्ड आता है तब वी फोर, ओके, तो मेन वर्ब के आफ्टर आईएनजी आपका वी फोर, उसके बिफोर विल बी। तो इसमें आपको याद रखना है विल बी प्लस वी फोर या फिर आई जी, उसे कहते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका एग्जांपल आपको दिया गया है, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। मैं टुमारो यानी कि कल, अगले दिन मैं क्या करने वाला हूँ, प्लेइंग फुटबॉल इस टाइम को खेलने वाला हूँ, तो कल इस टाइम को मेरी एक्शन है वो कंटिन्यू होने वाली है। अभी उस क्रिया को मैं अभी से डिस्क्राइब करती हूँ, अभी से मैं उसको आपको कहती हूँ, तो उसके लिए हमें यूज करना है
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसमें विल बी प्लस वी फोर या फिर शैल बी प्लस वी फोर। नेक्स्ट है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसमें आपने कोई एक्शन है कोई क्रिया है जो अभी फ्यूचर में ही कंप्लीट की हुई है और अभी आप उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं तो उसमें कोई परफेक्ट आपको टाइम दिया गया होगा। तो द चिल्ड्रन विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय 7 PM। स्टूडेंट है यानी कि कोई बच्चे है उन्होंने 7 PM को अपना वर्क अभी फिनिश्ड किया करने वाले हैं। तो फिनिश्ड करने वाले हैं तो फ्यूचर टेंस में डिस्क्राइब किया गया है तो उसके लिए आपको यूज करना है विल प्लस हैव प्लस V3। इसमें आपको याद रखना है V3 क्यों, क्योंकि आपको फिनिश दिया गया है तो फिनिश मेन फॉर्म है उसका पास्ट टेंस भी फिनिश्ड होता है और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी फिनिश्ड होता है। तो आपको इसमें ये स्ट्रक्चर याद रखना है विल प्लस हैव प्लस बी थ्री। तो इसे शॉर्ट में आप पेंसिल से अपनी ग्रामर में ले सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड विल एट सम टाइम इन द फ्यूचर। यहाँ पे आपकी कोई भी एक्शन है जिसमें आपका प्रोग्रेस और पीरियड ऑफ टाइम कोई परफेक्ट टाइम में तो प्रोग्रेस डिस्क्राइब किया होगा विल एंड सम टाइम इन फ्यूचर और फ्यूचर में वो आप प्रोग्रेस है वो कंप्लीट करने वाले हो ऐसा आपको अभी से डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें आपका स्ट्रक्चर है पोर्ट में will plus will या फिर shall plus have plus be plus before या फिर ing। ओके तो by the end of this year we shall have been studying in this college for 4 years। ये हो गया आपका future perfect continuous tense का example। तो ये थे हमारे जो 12 sentences, 4 present tense के थे, 4 past tense के और 4 है वो future tense के। 12 sentences की हमने information देखी, उसके regarding आपको page number 32 पर exercise दी गई, जो exercise हमें learn करनी है। अब तो ट्रेंड टेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है एक्सरसाइज नंबर 1। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द स्टोरी व्हिच टेंस हैज बीन रिपीटेड द मोस्ट। यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपको एक स्टोरी दी गई है उसमें आपको टेंस दिए गए हैं तो उसमें से आपको क्या करना है कि कौन सा टेंस बहुत बार रिपीट होता है। तो फर्स्ट आपको ये वर्ब के अंडरलाइन वर्ब के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है कि ये टेंस का सेंटेंस है और आफ्टर आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा टेंस इसमें रिपीट हुआ है जो आपको वन लाइन में डिस्क्राइब करना है। आपका आंसर यहाँ पे कितनी लाइन में लिखना है आपको वन लाइन में डिस्क्राइब करना है कि कौन सा टेंस का है। तो फर्स्ट हम सबसे पहले देखते जाते हैं कि यहाँ पे कौन से टेंस दिए गए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे तो आपको फर्स्ट सेंटेंस में वॉज के नीचे अंडरलाइन करनी है ये आपका सिंपल पास्ट टेंस। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई तो वॉज प्लस शाइनिंग इसलिए ये हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेकंड अंडरलाइन आपको करनी है वॉज शाइनिंग के नीचे। Bees hovered around the flowers and the birds chirped in the trees. तो bees के ऊपर आपको दिया गया है hovered तो ये था simple past tense।
इसका वर्ब, उसके नीचे अंडरलाइन। फोर फ्लावर्स एंड बर्ड चेप, तो चेप के नीचे अंडरलाइन, ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब है। फिफ्थ आपको दिया गया है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो है आपका वर्ड तनु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हैड बीन वॉचिंग, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हैड बीन वॉचिंग के नीचे अंडरलाइन कर दूं आपको। बैंक आपकी आई हैव ऑफन विश्ड टू पेंट दिस सिंक, तो हैव प्लस आपको दिया गया है यहाँ पे विश्ड, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैव के नीचे अंडरलाइन और सेकंड अंडरलाइन कर लिया आपको विश्ड के नीचे। नेक्स्ट पेंट दिस सीन, सी टोल्ड हर फ्रेंड रितिका, तो ये हो गया टेल का टोल, ये सिंपल पास्ट टेंस, टोल के नीचे अंडरलाइन। बट आई वॉज वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, आई वॉज वेटिंग, तो वॉज वेटिंग हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वॉज वेटिंग के नीचे अंडरलाइन। This is it, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इस के नीचे अंडरलाइन। You will need the proper materials for painting, said Ritika. तो you के बाद आपको दिया गया है will need, तो will and may word है, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, will need। सिंपल फ्यूचर टेंस। 11 सेड रितिका, तो सेड है वो से का पास्ट टेंस, तो यहाँ पे सेड है वो सिंपल पास्ट टेंस।